हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो आपको फाइनल रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है कि हाँ किस बच्चे की कितनी रैंक है, कितने मार्क्स हैं, वो रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है और क्या बीएससी नर्सिंग की जो आपकी आंसर की है वो क्या दोबारा से रिलीज होगी और आपका बीएससी नर्सिंग का 50 से कम मार्क्स वालों की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। ये चार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन पर सारे के सारे आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने वाली, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हर एक अपडेट आपका भले वो एएनएम जीएनएम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का हो या फिर बीएससी नर्सिंग का हो, सारे सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो प्लीज चैनल पे बने रहना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, सबसे बड़ा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स का, क्या आंसर की दोबारा से रिलीज होगी और होगी तो कब तक होगी। तो देखो, यूनिवर्सिटी ने आपको टाइम दिया था 27 का, 1 बजे तक का टाइम था आपको चैलेंज। अगर आपको लगता था कि आंसर गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने करा भी है कि कुछ क्वेश्चन से आंसर गलत, वहाँ पे आंसर्स को करेक्ट बताया गया था, चैलेंज करा है। अगर आपके प्रूफ सॉलिड होंगे, वैलिड होंगे, तो यूनिवर्सिटी उनको एक्सेप्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट कर देगी, वो करेगी और आपकी न्यू आंसर की रिलीज़ होगी। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो या फिर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ नई आंसर की नहीं आएगी, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, तो देखो ऐसा होना बहुत बहुत कम चांस है। सिर्फ 5% चांस आप मान सकते हो कि ऐसा हो कि वो नई आंसर की रिलीज़ ना करे, डायरेक्ट रिजल्ट दे दे। तो देखो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फेयर प्रोसेस होती है। आपके एग्ज़ाम में बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे, आपके अदर सब्जेक्ट के नहीं आए थे, तो यूनिवर्सिटी ने उसको कंसीडर नहीं करा, री एग्ज़ाम कराया। इसी तरीके से प्रोसेस को फेयर रखने के लिए वो आंसर की रिलीज़ करेंगे। तो ये मत सोचना कि आंसर की रिलीज़ नहीं होगी, होगी आंसर की रिलीज़, उसके बाद आपको जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और रिजल्ट आएगा। तो देखो, आंसर की रिलीज़ आपकी आप मान सकते हो कि आपकी 29 के बाद में कभी भी आपके आंसर की रिलीज़ हो जाएगी, और उसके आपके 4 से 5 दिन या फिर 1 वीक का टाइम आप मान सकते हो कि आपका इतना लगेगा आपका रिजल्ट आने में। ठीक है, 29 के बाद में कभी भी आंसर की रिलीज़ हो जाएगी। जब आंसर की रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ही आपकी एएनएम जीएनएम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग सबकी एक साथ ही आपको रिजल्ट आएगा, किसी का अलग अलग नहीं आएगा। उसके 1 वीक बाद तक आप मान सकते हो कभी भी आपका फिर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये दो डाउट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं आपका क्या बीएससी नर्सिंग के जो आपका काउंसलिंग है 50 से कम मार्क्स पे होगी। तो देखो, अभी परेशान मत हो, अगर आपकी जो सीट्स हैं यूनिवर्सिटी की, लास्ट ईयर तक आपकी जो सीट्स थी उसमें भी आपकी सीट्स बढ़ी थी। ठीक है, इस बार बहुत सारे आपके जो नए कॉलेज हैं वो ऐड होने वाले हैं, 1-2 कॉलेज तो आपके ऐड होंगे, उनमें एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो उनके लिए सीट्स जो है आपकी बढ़ जाएंगी, इस बार भी सीट्स बढ़ेंगी, जहाँ तक चांसेस है सीट्स बढ़ेंगी। अब सीट्स बढ़ेंगी तो हो सकता है कि ऐसा लास्ट ईयर होता है कि बच्चे कम रह गए थे और जो है आपकी सीट ज़्यादा हो गई थी, अगर ऐसा कुछ केस बनता है, ऐसा कोई सिनेरियो बनता है, तो यूनिवर्सिटी 50 से कम वालों की काउंसलिंग कराएगी। हाँ, अगर ऐसा होता है कि सीट ज़्यादा वैकेंट रह जाती हैं, तो कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी सीट को वैकेंट नहीं रखना चाहती 4 साल तक, तो वो 50 से कम वालों की काउंसलिंग कराएगी। तो इसको हम तभी देखेंगे जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। अभी इस पर कोई भी मैं आपको ऐसे वीडियोज़ बना के इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हाँ होगी ऐसा वैसा, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है अभी। ठीक है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, हम देख लेंगे कि हाँ 50 से कम मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं और 50 से ऊपर वाले कितने बन रहे हैं, तभी हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है, जो सीट मैट्रिक्स आएगी रिजल्ट आएगा, इसलिए अभी इस पर परेशान मत हो। बाकी आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, अगर कोई और डाउट रह जाता है तो पूछ सक लेना कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी पूछ सकते हो। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लेना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।